नमस्कार ईश्वन स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके साथ वो दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है और ये 16 में आया हुआ है। मैं एक क्वेश्चन ही नहीं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करे जाते हैं, क्या कंसेप्ट क्या है, वो चीज़ एक्सप्लेन में करूँगा। बहुत अच्छी तरह से वीडियो को देखने की कोशिश करें। और हाँ, यदि आप इस चैप्टर की प्लेस देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो आई का आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक कर आप इस चैप्टर की प्लेस देख सकते हो। उसमें मैंने आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट कर रखे हैं। आप एनसीईआरटी करें, एनसीईआरटी एग्जाम पर करें, उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ उनको जरूर करें। ये वो हार्ड क्वेश्चंस हैं जो रियली आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है सबसे ज़्यादा है, राइट। चलिए सर, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या बैकग्राउंड कंसेप्ट चल रहा है उसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट, आप ये मान के चलते हो कि आपके पास एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है और इसमें ये साइड ए है और ये साइड बी है, तो ये साइड क्या होगी, ये साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। ये एंगल 90 डिग्री है ना। और यदि एंगल थीटा है तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, ये होगा ना। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि कोई लेंथ है जो 3, 4 और 5 है, आपसे मैं कहूँगा जरा बताइए इस लेंथ को लेते हुए कैसा ट्राइंगल बनेगा, तो आप ये देखना है कि इससे बनने वाला जो ट्राइंगल बनेगा वो रेक्टेंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि इनमें दो साइड का स्क्वायर वो थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर है। आप 3 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर करें, तो ये किसके बराबर आएगा, 5 के स्क्वायर बराबर आएगा। तो इससे इस लेंथ से बनने वाला जो ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, राइट ट्राइंगल होगा। तो यहाँ पर जब देखेंगे कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनमें यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएंगी उनसे एक राइट ट्राइंगल ही बनेगा। जब एक राइट ट्राइंगल बनेगा तो हम वहाँ पर उसको रख कर यहाँ थीटा मानते हुए उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, लेट वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स, मैं 3 को इसके नीचे लगा दूँ, 3/5 लिख लूँ एक्स प्लस, इसे मैं 4/5 अंडर रूट ऑफ द 1 - x² ऐसे लिख सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पर कॉस इनवर्स है तो सर मुझे ये करना है कि यहाँ पर किसी तरह से कॉस का फॉर्मूला बन जाए। तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से कि कॉस इनवर्स यदि यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा तो सॉल्व करके मैं क्या कह दूंगा, इसे थीटा कह दूंगा, है ना। यदि यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस एल्फा प्लस थीटा आ जाएगा तो इसे मैं एल्फा प्लस थीटा कह दूंगा। कहने का सेंस है कि यहाँ पर टर्म जो है वो कॉस के रेशियो में आना चाहिए। वो कॉस के रेशियो में कैसे आएगा कि यहाँ पर मुझे एक्स और इसकी जगह कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मैं मान लेता हूँ मैंने एक्स इक्वल टू कॉस एल्फा पुट किया, एक्स इक्वल टू क्या कॉस एल्फा पुट किया, तो ये भी मुझे कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी एक फॉर्मूला होता है कॉस का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है। यदि यहाँ पर मुझे साइन बनाना होता तो मैं एक चीज़ को साइन पुट करता और दूसरी चीज़ को कॉस के अंदर पुट करता, ये बात समझनी होगी। यहाँ पर मुझे साइन ए प्लस बी का या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक बार साइन पुट करूँगा और एक नंबर क्या लाऊंगा, कॉस मिलाऊंगा। यहाँ पर मुझे कॉस का फॉर्मूला बनाना है तो दोनों नंबर क्या होना चाहिए, कॉस के होने चाहिए, क्योंकि कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला जो होता है या कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये जानते हैं ना अच्छी तरह से। तो मुझे ये चीज़ चाहिए, जब ये बनाएगा तब ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इस x को cos अल्फा रख लिया और 3/5 को क्या रख लूँ मैं, 3/5। देखिए मैं इसमें इसको 3 मान लूँ और इसमें इसको 5 मान लूँ, सॉरी 3 मान लूँ और इसको 4 मान लूँ, तो ये क्या होगा, 5 आएगा ना। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो क्या हुआ, 5 होगा। तो 3/5 क्या बन जाएगा, यदि मैं एंगल थीटा मान रहा हूँ तो यहाँ पर थीटा कॉन्स्टेंट वैल्यू ध्यान रखें, एंगल है थीटा माना हूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/5 कॉस थीटा, है ना। और 4/5 क्या बन जाएगा आपका, 4/5 जो है वो बन जाएगा साइन थीटा। बात आ गई टेक्निक, क्या टेक्निक फॉलो करनी है, यदि यहाँ पर कॉस है तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है, साइन है तो साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है, एक्स की जगह पर साइन का टर्म आएगा, इसकी जगह कॉस का टर्म आएगा, एक साइन का और एक कॉस का आएगा, कब, जब साइन बाहर है।
जब कॉस बाहर है तो दोनों नंबर किसके आएंगे, कॉस के आएंगे। इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है उनसे क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर 3/5 आ जाए और यहाँ पर 1/2 आ जाए और आपसे कहा जाए कि अब सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है तब एप्लीकेबल नहीं होगी। ये ट्रिक तभी एप्लीकेबल हो रही है जब इनसे बनने वाली, इस लेंथ से बनने वाला क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। दो साइड का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर है। इनमें आप 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा। बस समझा भाई, चलिए साहब इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। वाईकल टू कितना आएगा, कॉस इनवर्स इस 3/5 को क्या लिख रहे हैं हम, कॉस थीटा लिख रहे हैं। ये क्या आएगा, कॉस एल्फा आएगा प्लस क्या आएगा, ये यहाँ पर 4/5 आएगा साइन थीटा और यहाँ पर आएगा अंडर रूट 1 - cos² alpha, अंडर रूट 1 - cos² alpha, क्योंकि आपने क्या करा है, x को cos alpha माना है। भाई आप इसको लिख सकते हो y इक्वल टू cos इनवर्स cos थीटा cos alpha प्लस साइन थीटा और इसे क्या लिख सकते हो, ये क्या बन जाएगा 1 - cos² साइन स्क्वायर होता है, रूट लग रहा है तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा। अब आप इसे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, ध्यान रखिए ये फॉर्मूला किसका बनेगा, ये बनेगा cos थीटा माइनस अल्फा का, ठीक है, क्या बन जाएगा थीटा माइनस अल्फा। बात समझ आ रही है मेरी बात, आप देखिए यदि इसमें cos अल्फा को पहले लिखें और cos थीटा को बाद में लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसके से फॉर्मूला बन जाएगा थीटा माइनस अल्फा का। ये थीटा माइनस अल्फा बन रहा है और थीटा प्लस अल्फा बन रहा है, दोनों बात सही हो रही है, ठीक है ना। आप क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे y इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा और थीटा के वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए। जब आप यहाँ से थीटा के वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, जब आप थीटा के वैल्यू निकालोगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स, थीटा के वैल्यू यहाँ से निकाल रहा हूँ, साइन इनवर्स 4/5 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है साहब, एल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो ये है माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। तो इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ चुका है। अब आप इसे इजीली क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा, ये आएगा स्टूडेंट dy/dx इक्वल टू जीरो, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, माइनस और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस में आता है 1/√1 - x², इतना आ गया। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√1 - x², ध्यान रखें स्टूडेंट इसको डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा, 1/√1 - x² आएगा। मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, एक बार इसे बहुत अच्छी तरह से आप कॉपी कर लीजिए। चलिए इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं और उसमें बताता हूँ क्या टेक्निक और ट्रिक लग रही है। देखिए स्टूडेंट वैसे एक बात मैं आपको और चित्र बता दूँ, यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, अच्छा रहेगा कि आप इसे कॉस इनवर्स कॉस अल्फा माइनस थीटा लिखें, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ये भी गलत नहीं, क्लियर बता दो। चलिए इसकी हिंट देता हूँ, आप इसे y इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, आप इसे लिखोगे 6/5x - 4/5√1 - 4x². अब मैंने आपसे ये कहा था कि इन में राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 6 का स्क्वायर तो आएगा नहीं, है ना। तो ये बात इस तरह से एडजस्ट करनी पड़ेगी कि राइट ट्राइंगल बनी जाए, अदरवाइज नहीं बनना है तो जो ट्रिक एप्लीकेबल है ना वो होगी नहीं। तो आप क्या लिखें पहले, तो पहले तो आप ये समझ लेंगे 4x² है तो आप इसे 2x² कर सकते हो। आप इसे लिख सकते हो y इक्वल टू साइन इनवर्स, आप देखिए इसे लिखिए 2 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 3/5 हो जाएगा और यहाँ 2x हो जाएगा, है ना, माइनस का ये 4/5 रहेगा अंडर रूट ऑफ द 1 - 2x का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक। अब कुछ बात बन जाएगी, अब कुछ बात ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे कि अंदर जो फॉर्मूला है किसका बनना चाहिए, तो साइन का बनना चाहिए। तो आप ऐसा कर लीजिए कि इसमें इस 2x को आप साइन a मान लीजिए, ठीक है,
और 3/5 को क्या माने, साइन मान लिया तो कॉस माना पड़ेगा, तो इसे क्या मान लीजिए, कॉस बी मान लीजिए, ऐसा मानेंगे। तो देखिए फॉर्मूला बन जाएगा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या रहेगा, साइन ए रहेगा, आपको पहले ये लिख लो इस वाला, फिर ये क्या रहेगा, ये रहेगा कॉस बी माइनस 4/5। देखिए आपने यहाँ पर क्या लिखा, 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ पर 5 लिखा, और ये एंगल आपने बी लिखा, ठीक है। तो 4/5 को आप क्या कहोगे, 4/5 को कहोगे आप कॉस 4/5 साइन ए, सॉरी साइन बी, क्या बोलोगे इसे, साइन बी। 4/5 क्या बन जाएगा, साइन बी, और अंडर रूट 1 माइनस ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, इतना आएगा कि नहीं आएगा। तो आप इसे लिख सकते हो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन ए रहेगा ये कॉस बी रहेगा, माइनस साइन बी रहेगा, और ये क्या रहेगा, कॉस ए रहेगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, और एक फॉर्मूला क्या बना, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी बना, और यहाँ से y इक्वल टू क्या बन जाएगा, a माइनस बी बन जाएगा। अब आप a की वैल्यू निकालो, जब आप a की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन वर्स 2x आ जाएगा, माइनस b की वैल्यू निकालोगे तो b की वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से, तो क्या आएगा, डिवाइड x 1/√1 − x², इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4x² और इनटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह की क्वेश्चन करने की आप जरूर कोशिश करें, अपनी प्रैक्टिस बनाएं, सॉलिड प्रैक्टिस बनाएं, पहले एनसीईआरटी करें, उसके साथ साथ में एनसीईआरटी एग्जाम पर करें, और उसके बाद में जो हॉट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ इनको जरूर करने की आप कोशिश करें, ठीक है। मैं आपके लिए वो क्वेश्चन करा रहा हूँ रियली जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। आप दूसरी बुकें कर रहे होंगे लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ रियली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश करें, अपना ख्याल रखें और मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।